हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास वीवो का मोबाइल है और आपके फ़ोन में ब्लूटूथ यहाँ पे चालू नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल पर जो ब्लूटूथ रहती है वो यहाँ पे इनेबल नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल का जो जो पावर बटन होता है उसको लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद आपको अपने मोबाइल में रिसेट को क्लिक कर देना है। रिसेट जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल को करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बट अगर आप लोग रिसेट नहीं करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन को सिंपली से स्विच ऑफ़ कर लीजिए। स्विच ऑफ़ करने के बाद आपको ऑन कर देना है फिर से, तो ऐसे में जो है आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे गलती से कोई सेटिंग्स वगैरह कर देते हैं तो फिर इसके वजह से जो है आपके फ़ोन्स में ये सभी प्रॉब्लम आता है, ब्लूटूथ वगैरह ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स को रिसेट करना है। तो इसको रिसेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग एप्लीकेशन होता है उसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप लोग यहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन पे आ जाइए। तो यहाँ से आप लोग ऐप इंफॉर्मेशन पे आएंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको इसको रिसेट कर देना है, यानी कि इसको क्लियर कैचे कर देना है या तो फिर क्लियर डेटा कर देना है। तो ऐसे में जो है आपके मोबाइल का सेटिंग रिसेट हो जाएगा और अब आप लोग जो भी सेटिंग्स करना चाहे वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ की सेटिंग हो या तो फिर और किसी भी चीज़ की सेटिंग हो, वो सब चीज़ आप लोग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है इसको ठीक कर लेना है। और कई बार दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका फ़ोन अगर बहुत पुराना हो जाता है और आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया रहता है तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है और आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो आप लोग डेफिनेटली उसको अपडेट करिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को ना मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।